हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 13.8 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। एक हेमिस्फेरिकल शेप का बॉल यानी कि कटोरा जिसका डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है, उसके अंदर कितना लीटर दूध आ सकता है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। देखिए, हमसे लीटर्स पूछे हैं ना, इसके अंदर कितने हैं, तो यानी कि हमसे कैपेसिटी पूछी है। तो कैपेसिटी निकालने से पहले हमें निकालना पड़ेगा इसका वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम से ही हम कैपेसिटी निकाल सकते हैं। तो सिंपली हेमिस्फेरिकल बॉल का हमको वॉल्यूम निकालना है पहले। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल, अब हेमिस्फेयर का फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर। हेमिस्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई रेडियस का क्यूब। वैल्यूज पुट करते हैं, 2/3 एज इट इज रहेगा, पाई की जगह 22/7 लिया जाता है, और रेडियस, अब रेडियस पे आते हैं। हमें रेडियस नहीं दिया हुआ है, हमें दे रखा है डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। तो डायमीटर का हाफ करके हम रेडियस बनाएंगे पहले। तो डायमीटर का हाफ करेंगे तो इसके नीचे हम 2 लगा देंगे, तो 10.5 को 2 से डिवाइड करेंगे। अभी मैं इसका डेसिमल भी हटा लूंगा, इसको एक थोड़ी सिंपल वैल्यू बना लूंगा। तो क्योंकि पॉइंट के बाद यहां एक नंबर है, तो नीचे एक जीरो आ जाएगा, यानी कि नीचे 10 से डिवाइड हो जाएगा। इसे सॉल्व करता हूं, ये 5 से कट रहा है, 5 4 20 होता है, और 5 से इसे काटेंगे तो 21 आएगा ये सेंटीमीटर। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये जो वैल्यू होती है ना फ्रैक्शन की, ये कटने में यहां पर आसान हो जाती है। तो आर की जगह पर 21/4 इंटू 21/4 इंटू 21/4 जो आएगा, ये सारा का सारा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, 3 और 21 आपस में कट रहा है ऊपर नीचे, 3 1 3 3 7 21। यहाँ पे 7 को मैं 7 से काट सकता हूँ, 7 1 7 7 1 7। ये 4 और ये 2, 2 1 2 2 2 4। यहाँ पे ये 2 और 22 को काट सकता हूँ, 2 1 2, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ गया। अभी नीचे और ऊपर ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो आपस में कट रही हो, सीधा सीधा प्रोडक्ट कर देते हैं। ऊपर वैल्यू है 11 इंटू, यहाँ तो कट गया, 21 इंटू 21, और नीचे बच रहा है 4 और 4, तो 4 4 हो गया 16। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो कुछ भी ऊपर है, ये तीनों नंबर्स है, इनका हमको प्रोडक्ट करना पड़ेगा। इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 4 8 5 1, और ये 16 नीचे है, तो 16 से फिर इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अब 4 8 5 1 को 16 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 303.1875। वॉल्यूम चल रहा है सेंटीमीटर का क्यूब। तो वॉल्यूम तो हमने निकाल लिया, अभी निकालना है कि इसका लीटर्स यानी इसमें कितने लीटर मिल्क आ सकता है, तो वो निकालनी है कैपेसिटी इन लीटर्स। अब देखिए, जब भी वॉल्यूम आपका सेंटीमीटर में दे रखा हो ना, तो याद रखना कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर के। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई बॉक्स है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर हो, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर हो, और उसकी हाइट भी 10 सेंटीमीटर हो, यानी 10 सेंटीमीटर का एक क्यूब है आपके पास। तो इसका जब वॉल्यूम निकालेंगे तो 10 10 100 100 10 1000, 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। आप इमेजिन करके देखिए कि इतना बड़ा बॉक्स है आपके पास, 10 सेंटीमीटर लेंथ, ब्रेथ और हाइट वाला। तो ये जो बॉक्स होगा ना, ये जो कंटेनर होगा, इसके अंदर जब डाल के देखेंगे ना, तो पूरा का पूरा 1 लीटर पानी आ जाएगा। ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड है। तो इस रिलेशन को आप याद रखेंगे कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 1 लीटर आ जाता है। बस इसी रिलेशन का हम यहाँ यूज करेंगे। अब हमें बनाना है सेंटीमीटर से लीटर, तो इस वैल्यू को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 303.1875, इसे जब 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये लीटर्स में बदल जाएगा। देखिए, नीचे 3 जीरो हैं, तो डेसिमल मूव करेगा लेफ्ट की तरफ, तो ये डेसिमल 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, 0.303, और आगे का सारा वैल्यू एज इट इज कॉपी, और पॉइंट कभी आगे खाली नहीं छोड़ते हैं, तो 0 लगा लेते हैं। तो इसके अंदर इतना लीटर मिल्क आ जाएगा। अब इसे थोड़ा राउंड ऑफ कर लेते हैं। देखिए, लीटर के बाद होते हैं मिलीलीटर्स,
जैसे ये 7.596 लीटर हो गया, तो पॉइंट से इधर तो पूरे पूरे लीटर हो गए, और यहाँ पे होते हैं मिलीलीटर। मिलीलीटर की भी जो जगह होती है ना, वो तीन ही डिजिट्स की होती है। तो यहाँ पे जीरो तो लीटर है और आगे के ये मिलीलीटर है, 303, और आगे बहुत छोटी वैल्यू है, तो इसे हम ना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। तो 0.303 सिर्फ इतना भी लिख देंगे, तो ये हमारा राउंड ऑफ होके ये आंसर हो गया। तो इतना लीटर मिल्क इस हेमिस्फेरिकल बॉल के अंदर आ सकता है। लास्ट में आप आंसर लिख दें बुक की फॉर्म में, देयर फोर द बाउल कैन कंटेन 0.303 लीटर्स ऑफ मिल्क, इतना दूध इसके अंदर आ सकता है। क्वेश्चन खत्म। तो स्टूडियो बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।